नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग आपस में जुड़े हैं फिर से सुबह 10 बजे और आज देखते हैं कि क्या कुछ हम आप लोगों के लिए नया लेकर आए हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोको और आज के सेशन में देखते हैं फिर से जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, नए नए क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनकी आपकी डिमांड थी, जहां पे आप जैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखना चाहते थे। तो जल्दी से सेशन लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी से सेशन लाइक एंड शेयर कर दो। चेतन शर्मा, कपिल तिवारी, शालू राज, अजय यादव भैया, राजेश महक, मोनालिशा दास, सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जल्दी से सेशन लाइक एंड शेयर कर दो। आज के सेशन में फिर से बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखते हैं कि सर आज अगर मैंने 11 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कराया, 13 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो सर अब तो रीजनिंग से एकदम मेंटली फ्री हो जाना है खुद को। बोलो, बात सही है। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों, रोज की तरह आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच आ रहा है, इसको तुरंत ज्वाइन कर लेना। 18 जून से फाउंडेशन बैच है, एसएससी महापैक है जो इस समय डबल वैलिडिटी पे चल रहा है। ये 24 महीने वाला जो ले रहे हो ना, ये 12 महीने का सिर्फ पैसा देना पड़ेगा और ये 24 महीने का मिल जाएगा क्योंकि इस समय डबल वैलिडिटी चल रही है। तो Y272 का यूज करो और डबल वैलिडिटी का लाभ उठाओ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो व्यवस्था हो गई आज की, और दूसरी बात कि इस सब व्यवस्था तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जो आपको संडे को 10 बजे बुलाया जा रहा है उसमें मेरे विद्यार्थियों की संख्या पता है ना कितनी होनी है। मेरे जितने विद्यार्थी हैं वो 13 जून रविवार को अगर नहीं मिलेंगे तो समझ लेना कि ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि जो चीजें फ्री में मिल रही है पूरा परिवार दोबारा अड्डा को तुम्हें पैसा नहीं देना। तुम क्योंकि 5 मिलियन होने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तो यादगार रखना है ना कि भैया कि 5 मिलियन भी होने पे अड्डा ने फ्री बांटा था ये चीजें। तो सारे लोगों को यहाँ पे फ्री मिल सकती है 10 तारीख को 10 बजे सुबह 13 जून को मुलाकात जरूर करना, ठीक है ना। अभी मैं इस पर व्यापक चर्चा करूंगा सेशन के अंत में, अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे आना है, कैसे आपको मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। राहुल यादव, राजेश पाल, राहुल, दुर्गेश, शैदी, मोहम्मद, साहिल खान भैया, बहुत ही बढ़िया। तो सभी लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इतने लोगों ने आंसर दिया, आज मैं वो जो क्वेश्चन था वो नहीं लगा पाया, लेकिन कोई बात नहीं। जितने लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, 102 जितने लोगों का आंसर आया था, दोस्तों मैं बता दूं 102 जिनका आंसर आया था, एक बार कल का सेशन देख लेना, 102 जिनका आंसर आया था वो आंसर बिल्कुल सही है। और इसके अलावा किसका जो आंसर आया है वो सारे गलत है। अगर 102 आपका आंसर आया था, क्योंकि कल का जहां तक है, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है 102 विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन मिसिंग नंबर आ गया है, जल्दी से आंसर सोचो कि आज के क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो मिसिंग नंबर से। अब जल्दी से सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और इसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बताओ, अभी जल्दी से सोचो यहां पे आंसर क्या होगा। और याद रखना, एग्जाम में 110% ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये थोड़ा सा तूफानी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा तूफानी टाइप का क्यों है हम बताएंगे तुमको, ये थोड़ा सा तूफानी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अब जल्दी से सोचो। अच्छा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या है कि अब ये सब उन्हीं के बस की बात है जिनके अंदर थोड़ा सा जिगरा है, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। देखो जैसे अभी तक आंसर देने वाले कितने, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग हैं जिन्होंने अभी तक आंसर दिया। तो मैंने बोला ना कि अब जैसे यहां पे क्या कर रहा है, उसने 31 और 18 को आपस में जोड़ा तो बोला सर 49 आया, 31 और 18 को जोड़ा तो ये कितने का मल्टीपल है, बोले सर 7 का मल्टीपल है, तो 7×7=49 हो गया, तो ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ये 7 का मल्टीपल है। अब 24 और 39 जोड़ा तो 24 और 39 कितना हो गया, 9×4=13, ये 63 हो गया, तो 9×7=63, यानी ये 9 और 7 का मल्टीपल है 63। बोलो बात सही है कि नहीं, 9 और 7 का मल्टीपल है 63। बोलो बात सही है, बोले हाँ सर। अब उसी तरीके से 34 और 43 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 और 43 जोड़ने पे हमें मिलेगा 67। और 77 कितने का है, 11 का मल्टीपल है, मतलब 7 के मल्टीपल पे हर चीजें मिल रही है। तो यानी 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 11×7=77 आ जाएगा, यानी इस लेवल पे कैलकुलेशन भी पूछेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं उतने सारे क्वेश्चन आप यहां पर एक बार देख लो, 110% तुमसे पूछ लिए जाएंगे। अब जरा सोचो, मैं बार बार कहता हूं, मैं जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं सबसे कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो जरा सोच समझ के जवाब दिया करो कि क्या सच में ये ऐसा होगा।
जल्दी से सोचो। किसी का भी सही नहीं। 144 144 144 आ रहा है भैया, किसी का भी सही नहीं है। ऐसा क्यों भैया, किसी का भी सही नहीं है ऐसा क्यों? क्या 144 आंसर आएगा? बोले सर आप हल्के में लिए क्या? मैंने कहा कि फिर भी गलत जवाब दे रहे हो, फिर भी गलत जवाब दे रहे हो। किसी का भी नहीं, 144 वाले सब गलत है, 144 किसी का भी नहीं सही होगा। अब जरा सोचो कि मैं यहां पे क्या कर रहा है। मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन की अब तो आदत सी पड़ गई होगी कि सर आसान है, तीन त्रिका 9-4 क्या कर दिया, ये 5 कर दिया। यहां पे भी अगर बड़ा कैलकुलेशन होता तो शायद ना समझ में आता, बड़ा कैलकुलेशन होता तो ना समझ में आता, लेकिन यहां पे 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर दो तो यानी 64-36 कर दोगे तो यहां पर 28 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहां पर भी, हाँ तो यहां पे बिल्कुल 256-121 करोगे। और याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और 135 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखने में छोटा लगता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंफर्म एग्जाम में आते हैं। अब जल्दी से सोचो इसमें कौन सा गलत है। रॉन्ग नंबर सीरीज, देखो हर तरीके का क्वेश्चन कराता हूं, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, नंबर का गेम। जितना ज्यादा CHSL पूछ ले, स्टेनो पूछ ले, किसी भी तरीके का एग्जाम पूछ ले, नंबर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जल्दी से पहले शेयर करो यार, श्रेयांशी प्रसाद, मोहम्मद साहिल खान, काजल सिंह, महक, श्रेयांशी, मोनिका, बहुत ही शानदार, विशाल राणा, बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से सोचो, अब अगर यहां पे पूछा कि क्या होगा तो ये जरा सोचो कि तुमको ये नहीं लग रहा है कि अगर मैं इसका लास्ट 2 डिजिट 456 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसको अगर करें तो 4 एकम 4, 7 चौक 28, इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 9 चौक 36, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो नहीं किया जा सकता। बाकी ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, मतलब ये सारे लीप ईयर हैं 1982 को छोड़कर, 1982 को छोड़कर सारे लीप ईयर हैं। बोले सर लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, तो उसमें 4 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि अगर लास्ट किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतिम का अंतिम की दो संख्या 4 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसलिए 1982 अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह लीप वर्ष नहीं है, बाकी सब लीप वर्ष हैं। बोलो बात सही है, बहुत ही शानदार, यह करके दिखाओ। ये करके दिखाओ। और अब तो बहुत ही आसान है, जितने भी गदाधारी भीम है जल्दी से करके दिखाओ तो जाने। बोले सर आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, इट्स अ चूरनेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन माय डियर, एकदम चूरनेस्ट है, मतलब चूरन का भी सुपरलेटिव डिग्री है। जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो, बहुत ही शानदार। अब जरा देखो, तुमको ये जानकर अच्छा लगेगा कि सर अगर इसमें हम बोले कि आंसर क्या होगा तो जरा देखो यहां पे क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36 में इस 4 को घटा दो कितना आ गया, 34 आ गया। बोले सर अब ये मतलब, अच्छा एक बात देखो, जिस लेवल पे कैलकुलेशन कराया है अब ये लेवल तो एकदम चूरन लगता है। अरे सर इतना तो हम टक से टैकल कर लेते हैं कि 68 64, वो 64 में ऊपर वाला 5 चला गया तो 59 बचा, फिर यहां पर इसी तरीके से 25 में अगर 3 चला गया तो यहां पर 22 बचेगा जो कि बिल्कुल सही होगा। मतलब इस लेवल पे कैलकुलेशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, चरम चूरनिष्ठ है, बहुत ही शानदार। अब बताओ घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अभी बोले घंटे की सुई, अरे दादा ये जो 6 डिग्री तुम आंसर देते हो ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई हमेशा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन घंटे की सुई दादा, जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हों, दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हों तो जब मिनट वाली पूरी घूम जाती है तब घंटे वाली केवल 5 मिनट सरकती है। बोलो हाँ या ना? तो अगर वो 60 मिनट में बनाती है घंटे वाली 30 डिग्री, तो 1 मिनट में घंटे वाली बनाएगी 30/60 यानी 3 × 6 1/2 डिग्री। बोले सर कैसे? जब दो सुइयां एक के ऊपर एक हों, जैसे ये, तो मिनट वाली सुई जब पूरी पूरी घूम जाती है तो छोटी वाली घंटे वाली सुई एक से
दो पे आ जाती है, दो से तीन पे आ जाती है, तीन से चार पे आ जाती है, यानी मिनट वाली जब 60 मिनट घूमती है तो घंटे वाली 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो जब एक मिनट घूमेगी तो 30/60 हो गया, 1/2 डिग्री हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, याद नहीं करना। वैसे तो तुम जानते हो मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो जल्दी से सोचो कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधे डिग्री का कोण बनाएगी। बोलो बात सही है, तो ये याद रखना। इसमें जल्दी बताओ कितनी रेखाएं हैं, कितनी सीधी रेखाएं, अनुपम शुक्ला, वर्षा, कृष्णा, राजेश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अजय यादव, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, मजा आ गई, बहुत ही शानदार। अभी जल्दी से सोचो क्या होगा। अब देखो कि लाइन कितनी है। अच्छा, जो मेरा विद्यार्थी है, मतलब ये सही बताना, क्या आप लोग अब ऐसा करते भी हो या नहीं, जैसे जितने मेरे विद्यार्थी हैं, अब ये आप लोग भी ऐसे करते हो ना, जैसे ये देखो, जैसे ये इस तरीके से देखते हैं, बोले सर कैसे, ये वाला क्या है एक, ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, इन तीन का कॉम्बिनेशन रखना है, बस तुम्हारा काम हो गया। ये वाली कितनी है, बोले सर 1, 2, ये वाला कितना है 3 है। फिर जब हम बात करें इसकी, जरा ध्यान से समझना, 2 सेकंड, जरा हम बात करें, ये 3 हो गई, जरा इसकी बात करें तो 1 और 2, इसकी बात करें तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई। स्लैंट की बात करें तो 1 हो गई 2 हो गई और ये वाली 3 हो गई, 3, 2, 5, 3 कितनी हो गई, 8, बिल्कुल सही जवाब हो गई। तो मतलब दुनिया में कभी भी लाइन काउंटिंग आए, लाइन काउंटिंग का सिर्फ एक मतलब है, ये वाली और ये वाली, बस इन तीन लाइन के अलावा कभी लाइन काउंटिंग में कोई तीसरी लाइन, चौथी लाइन नहीं आएगी, सिर्फ यही तीन लाइन का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ। अब बताओ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के, आप लोगों ने पिछले बार भी बोले थे सर क्वेश्चन करा दीजिए, अब बोल रहा है इस क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है, मतलब कहीं नहीं जैसे स्टूडेंट या कहीं आपस में झगड़ा कहीं किसी का हो जाता है, इस क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है और नियंत्रण के बाहर है, मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने घरों में रहने का अनुरोध है कि भैया आप सभी अपने घर में रहो, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है इस समय। तो पहला है कोई सांप्रदायिक घटना घटी होगी, दूसरा घर से बाहर निकलना संकट उत्पन्न कर सकता है, बहुत ध्यान से जवाब देना, लॉजिकल रीजनिंग में यह नहीं कहना कि सर नहीं है, महक, गिरीश शर्मा, नेहा रानी, श्रेयांशी प्रसाद, कपिल तिवारी, बिल्कुल सही बात है कि द सिचुएशन इन द एरिया टेंस्ड, यानी स्थिति तनावपूर्ण नियंत्रण के बाहर है, तो जरूर कोई सांप्रदायिक घटना घटी होगी, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, घर से निकलना संकट उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। कभी उसने यह नहीं कहा किसी ने बम मारा होगा, किसी ने यह नहीं कहा किसी ने बवाल किया होगा, उसने बोला सांप्रदायिक घटना, वो किसी भी चीज को लेकर सांप्रदायिक घटना हो सकती है, जो क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, साम्राज्य में होती है वो सांप्रदायिक घटना है, बोलो बात सही है। और बेटा जी इससे भागोगे ना तो तुमको लपेट के मारेगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन से भागने की कोशिश करोगे तो। जल्दी से यहां पे आंसर बताओ क्या होगा। अब जरा सोचो, अब आपसे जैसे यहां पे पूछा कि अब इस पे, इस कैलकुलेशन में तुम्हारा क्या ख्याल है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके के कैलकुलेशन रेगुलर पूछे ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन तुम्हारा डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कितना अच्छा है इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे अगर अब हम तुमसे पूछें कि यहां पे क्या ख्याल है, तो पता है यहां पे क्या है, बोले सर क्या, यहां पे तुम्हें 14 में 12 का गुणा करना पड़ेगा, 14 में 12 का गुणा करोगे 168 आएगा, 168 का जैसे ही 2 से भाग करोगे तो 2 8 16, 2 4 8 84 आ जाएगा, मतलब 18 का 9 में गुणा करो और जो आए बटा 2 कर दो, तो 2 9 18 और 9 9 81 हो गया, बोलो बात सही है कि नहीं। तो एग्जाम में याद रखना ये तो अब आंसर क्वेश्चन पूछे पूछेगा और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों तैयार करना पड़ेगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि कैलकुलेशन का पार्ट जितना मजबूत रखोगे तुम अतुल अवस्थी सर को उतना याद रखोगे। मैं बार बार कहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को रट डालो, एकदम रट डालो। जल्दी से बताओ इसका आंसर बताओ।
जल्दी बताओ। अब यार बेइज्जती अगर इसमें कराओगे तो यार फिर हम कहां जाएंगे बताओ यार। तुम लोगों पे इतना विश्वास रखता हूं, मेरा 100% कोई भी ऐसा विद्यार्थी ना हो कि सर ये मुझसे नहीं हुआ। जब भी सेम सेम दिया हो, लेफ्ट हैंड साइड से 20, लेफ्ट हैंड साइड से 20 के लेफ्ट हैंड साइड सातवां, लेफ्ट हैंड साइड सातवां, तो सेम सेम में माइनस कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड से 13 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से 13 हो गया, 13 सात 20 होता है क्योंकि सेम सेम है तो माइनस हो जाएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड से 13 एम का प्लेस वैल्यू होता है क्योंकि ABCD लिखा हुआ है तो मुझे गिनने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से 13 एम होता है और हम सीधा जवाब दे दें। मतलब एक भी ऐसा, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि सर मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब नीट क्लीन है, सेम सेम दिया है, आपस में माइनस कर दो और जो आए लेफ्ट हैंड साइड से गिन लो। अब गिनना जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि A1 B2 C3 मुझे याद है कि लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे 13 होगा, M बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखना डबल क्वेश्चन मार्क का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूं कि मिसिंग नंबर में तुमको पागल करके रख दूंगा कि अगर जितने भी आज तक एग्जाम तुम देखे हो तुम खुद बोलोगे कि अतुल सर सच बता रहे हैं, जितना मिसिंग नंबर आपने कराया है पूरे यूट्यूब पे नहीं किया होगा। जल्दी से बताओ, अब कैलकुलेशन अगर मजा आ जाए तो मेरे को बताना कि सर अब हमको सोचने में बड़ा मजा आता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि ये तुम्हारी कल्पना से परे है, ये कल्पना से परे है। अच्छा, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तुम सोच भी इसको सोचने में जब मैं बताऊंगा ना तो कहोगे अरे यार बाप रे बाप ये सब भी होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम खुद बोलोगे कि सर कसम से मजा आ गई, बेहतरीन तरीके का प्रश्न दिया आपने। तो जरा सुनना, अब देखना इंटरेस्टिंग कितना है। जरा देखो, तो देखो यहां पर क्या है, 13 दूना 26 और 26 दूना 52, 20 दूना 40 तो 40 दूना बोले सर 80। ये देखो 15 दूना 30 तो 30 दूना 60, 11 दूना 22 तो 22 दूना 44 तो यहां पे 80 और 60 होना चाहिए। 80 और 60 यहां पे देखो लिखा हुआ है, बाकी सारे के सारे गलत है, यहां पे सी विल बी द राइट आंसर। अब जरा सोचो ये कैलकुलेशन तुमको सोचना है और एग्जाम में अगर ये दुनिया सोचती कि इनमें से कैलकुलेट करके कोई संख्या लाना है, लेकिन अब मेरे भाई ये सोच लो कि ऐसा भी होता है, ताकि दिमाग में भले ये डिजिट ना हो, कल को डिजिट बदल दिया जाए, लेकिन मेरा विद्यार्थी ये जाने कि अच्छा हाँ यार एक बार क्वेश्चन सर ऐसा भी कराए थे, ऐसा भी होता है जहां एक डायग्राम का दूसरे ग्राम से रिलेशन होता है। बोलो बात सही है, बहुत ही शानदार। इसका आंसर बताओ, ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब जल्दी से सोचो, किसी ने पूछा ओ का अपोजिट क्या होगा, तो बोले सर आप एक बात देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमने कहा ओ कॉमन है, ओ कॉमन है। बोले ठीक है, ओ का अपोजिट बोले तो इन दोनों में कौन सा मिसिंग है, तो मैंने बोला इन दोनों में प्लस नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोले सर ये वाला जो प्लस है ना ये ओ का अपोजिट हो जाएगा। हमने कहा क्यों, बोले सर इन दोनों में कॉमन ओ है और मिसिंग जो है वो कॉमन के पीछे होता है और इन दोनों में प्लस दिख नहीं रहा है, तो भैया एंड का हैश या परसेंटेज अपोजिट होगा, एट द रेट का हैश या परसेंटेज, दोनों में से कोई ना कोई एक ही अपोजिट होगा, तो मिसिंग कहां जाएगा, मिसिंग कॉमन के पीछे जाएगा और यहां पर मिसिंग प्लस है तो उसके पीछे चला जाएगा। यह बात याद रखना, बहुत ही शानदार। ये बताओ, इसकी सुपर ट्रिक बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व होते हैं। जल्दी से पहले इसका आंसर देखो और फिर बताओ, पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से सोचो और बताओ क्या होगा। एग्जाम में पूछेगा, 110% पूछेगा, लेकिन जल्दी से सोचो कि अगर इसका आंसर जल्द से जल्द देना है तो क्या दोगे। जल्दी से लाइक एंड शेयर करो, फिर मेरे को बताओ क्या होना चाहिए। और एग्जाम में आना ही आना है, 100% आना है, तय है, आएगा तो आएगा, पक्का आएगा। अब जल्दी से सोचो। बोले सर देखिए, जब भी ये सब कोई बातें नहीं, 155 को 7 से भाग दे दीजिए, बस
ये अभी साल महीने में दिया होता तो भी यही करना पड़ता है। 155 में 7 × 14, 7 × 14 एक शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? एक। सोमवार में एक दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार, बिल्कुल सही जवाब है। अगर पुनीत अरुण से 155 दिन तो छोड़िए, आप बोल दीजिए 5,618 दिन बड़ा है तो भी हम इसको 7 से भाग करेंगे, जितना शेषफल आएगा उतने दिन आगे चले जाएंगे। 155 को सीधे 7 से भाग करो और सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, 7 × 14, फिर 7 × 14 एक शेषफल बचेगा, एक दिन आगे चले जाओ, सोमवार में एक दिन जोड़ दो। 155 को 7 से भाग करना है, बस 155 को 7 से भाग करो। अच्छा ये बताओ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, रोज कम से कम ऐसा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है कि नहीं, ऐसा रोज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है कि नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि फ्लावर का कोड क्या होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जल्दी से सोचो आंसर क्या होना चाहिए। योगेंद्र बारी, कृष्णा त्रिपाठी, अजय यादव, धर्मवीर, श्रेयांशी प्रसाद, मिस्टर अजय यादव, अंकिता, नीतू विश्वकर्मा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही लाजवाब। राहुल यादव, कैसे हो बच्चा? कृष्णा त्रिपाठी, मोनिका, महक और कृष्णा, किरण, शिवम पटेल, बहुत ही बढ़िया। कृष्णा त्रिपाठी, बहुत ही शानदार। अब जैसे इसने पूछा कि फ्लावर का कोड क्या होगा, तो अगर फ्लावर के कोड की बात करें कि फ्लावर का कोड क्या होगा, तो ये बात याद रखना, फ्लावर का कोड अगर पूछे तो फ्लावर लिखा कहाँ है, तो बोले सर फ्लावर यहां पे लिखा हुआ है, और फ्लावर कहां लिखा है, बोले सर और कहीं नहीं, तो भैया लुक्स यहां से हटाओ, लुक्स यहां से हटाओ, तो इन दोनों में से क्या हट जाएगा, बोले सर इन दोनों में हट जाएगा ना, तो हटा दिया। फिर बोले ब्यूटीफुल यहां कॉमन है, ब्यूटीफुल यहां कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोले सर इन दोनों में कॉमन है पिट, पी आई टी हट गया, तो अब यहां पे भी केवल फ्लावर बचा, यहां केवल जा बचा, तो जा फ्लावर का कोड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत ही शानदार। इसका जवाब बताओ क्या होगा। अब ये कैलकुलेशन, इस तरीके के कैलकुलेशन तो आप सोच ही लेते होगे, बड़े आराम से सोच लोगे, ठीक है ना। और यहां पे जानते हो साइंस चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, साइन का सीक्वेंस बदलता है बस, और कुछ नहीं होता है, जरा सा सोच के देखो। राजेश, अंकित, दिलीप भैया, बहुत ही बढ़िया। पूनम, राजेश पाल, काजल सिंह, शालू, महक, राजेश, श्रियांशी, मोनिका, गिरी बाबा पटना, बहुत ही शानदार। अब जरा देखो उसने क्या किया, जैसे 8 यहां पे है ना, इसने किया कुछ नहीं, इसको इधर चेंज कर दिया और इसको इधर चेंज कर दिया, यानी इस प्लस को यहां पे लगा दो और इस माइनस को यहां पे लगा दो। बोले सर मतलब 8 − 5 + 3 कर दो। बोले बात सही है, तो यहां पे अगर करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8 − 2 आ जाएगा, 8 − 2 यानी 6 आ जाएगा, जो कि यहां पे लिखा है। इसको इधर चेंज कर दो और इसको इधर चेंज कर दो, तो 9 − 4 + 3 हो जाएगा, और यहां पे अगर इसे घटाओगे तो 9 − 1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहां पे 8 आ जाएगा। बस इतना करना, और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आता है, आता है, 110% आता है। तो बोलो बात सही है कि नहीं, मजा आई सभी को, 13 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करके दिखाओ, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये करके दिखाओ, और इसमें कुछ नया तुमको देखने को मिलेगा, कुछ तो नया होगा। और बहुत जल्दी मैं 7 दिन का तांडव लाने वाला हूं, बहुत जल्दी एक नया शो लॉन्च करने वाला हूं सुबह 10 बजे, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कुछ नया करने वाला हूं सुबह 10 बजे। अब आपको कुछ नया देखने को मिलेगा इसी मंडे से, इस मंडे से कुछ नया करूंगा मैं, ठीक है ना। सुबह 10 बजे आपको बहुत ही बेहतरीन सेशन एक देखने को मिलने वाला है, जहां पे मैं आपको कुछ नया दूंगा, ठीक है ना, कि आपको ओपन सर्च दूंगा कि कितने तरीके की सुपर ट्रिक अभी तक किसी चैप्टर में होती है। अरे दादा सुनो 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 रे पगला, बक इसे कहते हैं बाप रे टाइप ऑफ क्वेश्चन, बाप रे ये पूछा जाएगा। इस समय हम पिताजी को याद करते हैं, बोलो हाँ या ना। अब बोलो यहां पे पता है यहां पे क्या है, तुम लोग नहीं समझोगे, यहां पे सिर्फ आपको कुछ नहीं लिखना है, तुम्हारे सोच के भी पड़े हैं, यहां पे ए लिखेगा तो ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, जिसे कहते हैं एरा, इट्स एरा जिसे कहते हैं, और ये एरा क्या है, मीनिंगफुल वर्ड बन गया, इस वजह से यहां पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा और सबका गलत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो तुम लोग ये सोचते ना, अरे यार ये प्लेस वैल्यू 5 है, ये 18 है, तो ये तुम्हारे पिताजी हैं तुमको डसने आ गए, दैट्स व्हाई इट्स अ बाप रे टॉप टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, यहां पे ए होना चाहिए तब ये बन जाएगा एरा, सॉरी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह जरूरी है तुम्हारे लिए जानना, कि अब इस तरीके की चीजें भी तुम्हारे साथ होती हैं और इनको भी तुम्हें देखना आवश्यक है, ठीक है। एरा क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, सार्थक शब्द है। इसमें वृत्तों की संख्या बताओ,
इसमें वृत्तों की संख्या बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच अनुपम, जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोको यार, जल्दी से। पहले जितने भी लोग यहां पे जुड़े हो यार, 300 प्लस लोग देख रहे हो, तो कम से कम 300 लाइक होना चाहिए ना। अंगूठे वाला बटन दबाने में क्यों इतना मतलब कंजूसी करते हो तुम लोग, वो सिर्फ लाइक रहता है ना, अब याद दिलाना पड़ता, बोले अरे सर लाइक करना भूल गए, तो गलत हो जाता है। जल्दी से सोचो कितना सर्कल है। अब जरा देखो, जैसे यहां पे बोला अरे रुको बाबा कुछ नहीं, जरा देखो एक यहां पे, दो यहां पे, तीन यहां पे, चार यहां पे, पांच यहां पे, छह और यहां पे सात, इसको देख लिया, बस बस कंट्रोल, इसको देख लिया, कुछ नहीं करना, इसको दो गुना कर दो, सात दूनी चौदह, सारा से खत्म। तो यानी ये वाला भी खत्म और ये वाला भी खत्म, एक को गुना, एक दो तीन चार पांच छह सात कर लिया, सात का दो गुना चौदह, चौदह के बाद ये वाला हो गया पंद्रह, ये वाला हो गया सोलह, ये वाला हो गया सत्रह, ये वाला हो गया अठारह, और पूरा वाला क्या हो गया, उन्नीस हो गया, ये वाला उन्नीस हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बोले सर अब देखो जिनका 21 आ रहा है, 22 आ रहा है, मेरे कहने से मत मानो कि अतुल अवस्थी सर सिखा रहे हैं। अरे यार एक हो गया, दो हो गया, ये वाला तीन हो गया, ये वाला चार हो गया, ये वाला पांच हो गया, ये वाला छह हो गया, ये वाला सात हो गया, सेम डायग्राम यही है कि नहीं, सेम डायग्राम है। तो मैं 7 × 2 करके सात दूना चौदह कर दूं, तो मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया। चौदह के बाद ये वाला हो गया पंद्रह, ये वाला हो गया सोलह, ये वाला हो गया सत्रह, ये वाला हो गया अठारह, और ये बड़ा वाला हो गया उन्नीस। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कहां 21 22 23 24 ढूंढ रहे हो, बोलो बात सही है। अब जल्दी से ये सोचो, दिल का मामला है, कैलकुलेट कर लो तो जाने। बोले सर ये अब ये दिल में तो जो बात पूछ लेंगे तो चरम पे आसान हो जाएगा, ये तो चाहे जैसे पूछ ले ये तो मैं तुरंत बता दूंगा कि आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार इसका तो आंसर यार, जल्दी से शेयर करो। अब जरा देखो कुछ भी बोले कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो कैलकुलेशन कितना आसान रखो, एकदम मोहब्बत से करो। यहां पे 3 + 7 + 4 + 4 सबको जोड़ दो, सबको जोड़ा तो कितना हो गया, 7 × 3 = 10 = 14 + 4 = 18 = 18 का स्क्वायर 324। लो खत्म। बोले अरे बाप रे बाप इतना आसान, और नहीं तो क्या। यहां पे देखो 6 + 2 = 8 + 8 = 9 + 9 = 14 = 14 का स्क्वायर 196। लो क्वेश्चन सॉल्व, मतलब इट्स अ लिटरली चरम चूरन क्वेश्चन, इट्स अ चरम चूरन क्वेश्चन, मतलब इतना ज्यादा चूरन कि मतलब मेरे को शर्म आ गई क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। बोले सर इस तरीके का हमारा लेवल हो चुका है, ठीक है ना। माता टीला बांध, राजघाट बांध, रिहंद बांध, अमरावती बांध, जल्दी से बताओ यार। तुम लोग आज शेयर बहुत कम कर रहे हो, ये मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार, तुम लोग शेयर करने में बहुत गलत कर रहे हो यार, शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। शेयर करो यार, 400 प्लस तो कम से कम ले जाओ यार, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी से 400 प्लस ले जाओ, फिर मेरे को बताओ आंसर क्या होगा। और एक एक नॉलेज की बात बता दूं, तुम सभी को पता होगा कि देखो जितने भी बांध तुम यहां पे देख रहे हो, ठीक है ना, जितने भी बांध तुम यहां पे देख रहे हो, ये माता टीला बांध तुमने नाम सुना है, माता टीला बांध, स्टैटिक जी के इतना नहीं क्लियर है तो अभी दौड़ा दौड़ा के मारूंगा साउथ के हीरो की तरह, याद रखना। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में है, राजघाट बांध उत्तर प्रदेश में है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में, ये सारे बांध उत्तर प्रदेश में है, याद रखना ये सारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। लेकिन ये अमरावती बांध जो है ये याद रखना तमिलनाडु में है, ये कहां है, तमिलनाडु में है चाचा, ये कहां है, तमिलनाडु में है। तो ये बातें एग्जाम में आ जाती है, तो अमरावती बांध तमिलनाडु में स्थित है और अन्य सभी दिए गए बांध उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये याद रखना। भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना, अगर अब आगे ऐसा नहीं कर पाए तो तुमको मैं बार बार बता सकता हूं कि जिस तरीके से साउथ का हीरो मारता है मैं बिल्कुल उसी तरीके से मारूंगा स्क्रीन से निकल के, ठीक है ना। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा, लाइक शेयर कर दो। अजय यादव, सोनी यादव, दिग्विजय, खेसारी लाल यादव, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से सोचो, ऊंट का घुरघुर है,
ऊंट का घुर घुर है तो बछड़ा का है। जो ऊंट बोलता है ना वो घुर घुर बोलता है, उसके ओंठ ढीले होते हैं ना, तो उसके जो बोली होती है उसे घुर घुर कहते हैं, ग्रंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ऊंट की बोली को ग्रंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आवाज है, जैसे ऊंट जो बोलता है ये ग्रंट होता है, लेकिन जो बछड़ा होता है वो क्या होता है, मिमियाता है, ब्लीट करता है। जो बछड़ा होता है ना, जो जो माँ बोलने की उसकी जो कला है उसे ब्लीट कहते हैं, रंभाना नहीं कहते बेटा, वो बड़ा होकर रंभाता है। जैसे इस समय तुम लोग बचपन में तुम लोग मिमियाते थे, दे दो भूख लग रही है, ये मिमियाना होता था, ठीक है। रंभाते अब रंभाते हो गए, है ना, तो बड़े होके वो रंभाते हैं, छोटे में मिमियाते हैं। ये नहीं समझ लेना कि बिल्ली का मिमियाहट होता है, एग्जाम में कितनी छोटी सी बात है, मानते हो ना कितनी छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में लपेट लिए जाओगे, पक्का एग्जाम में लपेट लिए जाओगे इसी छोटी सी बात पे। तो बड़े होके तुम रंभाओगे, अभी तुम मिमियाते हो, बछड़ा हो अभी तुम, तो वो मिमियाना कहलाता है, मिमियाहट कहलाता है, ये बात याद रखना, एग्जाम में दिक्कत कर जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दो कि तुम अगर होगे तो इसका जवाब कितनी जल्दी दे पाओगे, तुम्हारा कैलकुलेशन कितना तगड़ा है। मैं बार बार कहता हूं, नहीं कर पाओ तो सोल्यूशन आंखों से देख लिया करो, एग्जाम में फंसेगा तो कम से कम जो देखे हो वो जल्दी स्ट्राइक करता है कि अच्छा हाँ 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 इस तरीके का क्वेश्चन एक किया है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां पे आंसर क्या होगा, यार ये सब कैलकुलेशन अगर नहीं याद करोगे, नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो यार फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन तुमको एक बार देखना चाहिए तो देखना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और प्रॉब्लम नहीं करेगा ज्यादा, लेकिन सोचो कैसे होगा, जरा सा दिमाग लगाओ कैसे होगा। पूनम बहुत ही बढ़िया, काजल सिंह, महक कैसे हो बच्चा, सभी लोग, शर्मिला, शर्मिला कुमारी, मोहम्मद साहिल खान कैसे हो, मोहम्मद साहिल खान, शिवानी पटेल। अब जरा सोचो, अब जरा सोचना कर क्या रहा है यहां पे, ये सब भी इस सिचुएशन में चीजें होंगी कि 12 है भैया, किसी का भी सही जवाब नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी का भी सही जवाब नहीं है। 68 वालों गलत है, 120 वालों गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, किसी का भी सही जवाब नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी का भी जवाब सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है। जहां पे बोल रहे हैं 120, बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। अब जरा देखो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया। बोले सर 12 का स्क्वायर किया, हमने कहा हां, एक काम उसने कर दिया, साफ सुथरा काम है, तुमको आराम से देखने से लग जाएगा कि जैसे 12 है, तो बोले सर 12 का स्क्वायर नहीं करेगा, एक काम करते हैं, 12 का स्क्वायर तो 144 आएगा, और 144 में बनाना सहमत नहीं है, तो यानी 12 में 6 जोड़ दे, तो 12 6 क्या हो गया, 18 हो गया, 18 स्क्वायर में, 18 का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर उसमें जोड़ दे, 6 का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर कितना हो गया। हाँ, अब जितना तुम्हारे पास ये कैलकुलेशन आएगा, मैं जैसे बोल रहा हूं इसका कैलकुलेशन आएगा, तो तुम्हारे पास आंसर कितना हो जाएगा, यानी 18 के साथ 324, 324 प्लस 36 कितना हो गया, 360 हो गया, कितना हो गया, 360 हो गया। अब बताओ इस लेवल पे तो सोचना पड़ेगा ना कि 8 में 3 जोड़ो, तो 8 3 11 हो गया, 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है, तो यानी अगर 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है, तो 121 प्लस 9 करो तो ये 130 हो जाएगा। बोलो बात सही है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा कैलकुलेशन नहीं सोचोगे तो फिर लपेट लिए जाओगे, इसलिए 68 विल बी द राइट आंसर, 68 विल बी द राइट आंसर होगा, और सबका गलत जवाब है। मैं इसलिए बोलता हूं कि प्रैक्टिस करोगे, मेरी आवाज सुनोगे, तुम्हें पहले से बेहतर महसूस होगा कि नहीं सर अब हम इस तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो याद रखना, अब इस तरीके के क्वेश्चन याद रहेंगे कि नहीं, उनको आपस में जोड़ के बिल्कुल याद रहेगा। ग्रीन नॉर्मल फेयर ऑन, देखो इसको तुम्हारे सोच से अलग आंसर है, मैं फिर बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को करना जरूरी है, और मैं इस पे ये जरूर लिख सकता हूं, ये करके दिखाओ, अगर ये कर दिए ना तो मैं मान लूंगा कि तुम इस लेवल के क्वेश्चन को सोच सकते हो। जल्दी से बताओ, इसमें बता दो कौन सा अलग है, ग्रीन नॉर्मल फेयर ऑन कौन सा अलग है, जल्दी से सोचो तो मैं बताऊं। ग्रीन अलग है, नॉर्मल अलग है, फेयर अलग है, ओन अलग है, कौन सा अलग है, जल्दी से सोचो फिर मुझे बताओ।
बेटा जी किसी का भी सही नहीं है, जितने होशियार हैं सबका गलत है। मैं फिर बोल रहा हूं सबका गलत है। कहां गई तुम्हारी बुद्धि यार, सबका गलत है। जरा सोचो तो, और कितनी नॉर्मल बात है। मैं बोला ना कि यहां तक पहुंचने के लिए दिमाग चाहिए। भैया यहां पे दो वॉवेल हैं, यहां पे दो वॉवेल हैं, नंबर ऑफ वॉवेल दो दो हैं, यहां पे भी दो वॉवेल हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक वॉवेल है, इसलिए डी विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर। याद रखना, नंबर ऑफ वॉवेल की वजह से ऑन अलग हो जाएगा। ग्रीन नॉर्मल फेयर ऑन में सिर्फ एक सिंगल वॉवेल है, सिंगल वॉवेल है, ठीक है ना। अब जरा सोचो, ये तो वॉवेल की वजह से अलग हो गया। अब बताओ कि राहुल गांधी का अगर सोनिया गांधी से संबंध है तो नरेंद्र मोदी का संबंध किससे है? हंसा मोदी, मीरा मोदी, हीरा बेन मोदी या गुंजन मोदी? जल्दी से सोचो किससे रिलेशन है। राहुल गांधी का संबंध अगर सोनिया गांधी से है तो नरेंद्र मोदी का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा के शेयर ठोको यार। मेरे को 400 लोग लाइक चाहिए यार, जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबाओ, पहले जितने भी लोग हो जल्दी से शेयर करो। भैया ये हैं सोनिया गांधी जी, जो राहुल गांधी की मम्मी है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनकी जो माता जी है वो हीराबेन मोदी है। ये आपको पता है कि हीराबेन मोदी इनका नाम है, बिल्कुल सही बात है। अभी पहले यार जल्दी से मेरे को 300 प्लस लाइक चाहिए यार, 300 प्लस लाइक करो यार, जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ। जितने भी लोग देख रहे हो तुम लोग कितने स्वार्थी टाइप के हो। अबे हम क्यों अंगूठे वाला बटन दबाए ना, यहां पे अतुल सर का फायदा हो जाएगा। मैं कहता हूं लाइक करते हो ना तो कसम से लगता है कि हां सेशन सबको एंजॉय हो रहा है। कितने तुम लोग मतलब जलनखोर टाइप के हो, जिन्होंने लाइक कर दिया ठीक है, बाकी मतलब मानसिकता कैसी है कि नहीं हम लाइक नहीं करेंगे। जबकि 300 प्लस लोग देख रहे हो यार, जितने लोग देख रहे हो उतने लोगों के सामने लाइक का बटन है, तो यार लाइक दबाने में तुमको क्या जाता है तुम्हारा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, यहां पे बिल्कुल सही बात हो जाएगी। चलो अगला बताओ, इसमें बताओ यहां पे क्वेश्चन मार्क में कौन सा साइन आएगा, जल्दी से बताओ। 300 प्लस लाइक मेरे को चाहिए, जल्दी से 300 प्लस लाइक चाहिए, 300 प्लस लाइक करो। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कम से कम इतना तो कर सकते ना, जल्दी से लाइक करो। मतलब जितने लोगों के हाथ के सामने लाइक बटन है, मतलब तुम लोग लाइक करने में भी सोचते हो कि सर कहां से। एक एक इमेज, एक एक तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। बस ये कि अगर यार तुम मुझे दिख रहे होते ना तो मैं कतई नहीं कहता कि लाइक से क्या मतलब है। दिख रहे हो, चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ शिखा दुबे, ये तो है, थैंक यू सो मच। जो रेगुलर करते हैं तो तुरंत उतने लाइक बढ़ जाते, कोई इशू नहीं। अब जरा देखो यहां पर मैं पूछूं क्या है, तो अब जरा देखो। अरे सुनो चाचा, एक तो यहां पे तीन, यहां पे चार, ये देखो बढ़ रहा है ना, एक तीन चार है। ये देखो यहां पे एक था तो एक दो तीन लाइन हो गई, और यहां पे चार लाइन हो गई। यहां पे एक दो तीन लाइन है तो एक दो तीन चार लाइन है, तो यहां पे एक दो तीन चार पांच लाइन है। तो यहां पे अगर एक दो तीन चार पांच लाइन है तो मुझे छह लाइन चाहिए। कितनी लाइन चाहिए? छह लाइन चाहिए। तो बोले सर यहां पर भी छह लाइन है, यहां पर भी छह लाइन है, तो लाइन बढ़नी कहां है, यह सबसे बड़ी बात है भैया। अगर मान लो छह लाइन की बात है तो तुम सोचो कि एक ही तरीके के तो दो ऑप्शन हो गए ना यहां पे, एक ही तरीके के दो ऑप्शन हो गए। तो यहां पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट मेरे को लग रहा है। तुम लोगों को क्या ख्याल है, ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्या? बोलो 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 बोलो, दोनों जगह एक ही जैसा हो गया, क्योंकि दोनों दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा हो गया, ये भी और ये दोनों तो सेम ही है ना, दोनों में फर्क क्या है? हाँ तो बी भी बोलोगे जो सी भी बोलेगा, बात तो एक ही है ना, दोनों सेम ही हो गया, दोनों में कोई फर्क तो मेरे को दिख नहीं रहा। तीन ऐसे ही हैं, तीन इसमें ऐसे हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसका बताओ मिरर इमेज, मिरर इमेज बताना है। पहले मिरर देखो कहां है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एकदम चुप। मिरर कहां है ये तुम देखो और तुम तय करोगे कि सही आंसर क्या होगा। जल्दबाजी में सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। मिरर कहां है ये तुम तय करो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता मिरर कहां है, लेकिन मिरर कहां है ये देख के मिरर इमेज बनाना। बार बार कह रहा हूं मिरर कहां है। एग्जाम में यही गलत करके आते हो कि तुम ये भूल जाते हो कि मिरर इमेज तो बन गया, रे सर बहुत आसान कर लेंगे, लेकिन ये भूल जाते हो मिरर कहां है। जल्दी से बताओ मिरर कहां है, सोचो और बताओ। तुम लोगों का लाइक शेयर बहुत कम है यार, ये बहुत गलत बात है, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से 300 प्लस लाइक हो जाओ, जल्दी से 300 प्लस लाइक करो। करिश्मा कैसे हो बेटा, अंकित, मोनालिसा दास, सोनू बहुत ही बढ़िया, सोनू बहुत ही बढ़िया, सोनू, अंकित, खेसारी लाल, खेसारी लाल कैसे हो, सब कुशल मंगल,
खेसारी लाल बहुत दिन बाद दिखाई दिए बेटा, महक मोनिका, हर्ष कुमार भैया बहुत ही शानदार, यश। अब देखो हाँ मिरर इमेज पूछ रहा है, मिरर नीचे है रे पगला, हाँ ये है अप एंड डाउन, तो ये सब देखोगे तो पागल हो जाओगे, सब देखोगे पागल हो जाओगे, सब हटा दो, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, सब बेकार है। जो मेरा शातिर स्टूडेंट होगा बोलेगा सर ये मुझे ऊपर चाहिए, ये जो है ये ऊपर होना चाहिए, बस इतना काम है, और तुम्हें और किसी चीज से मतलब नहीं, अगर ये कलर है तो अब ये कलर होना चाहिए बस, ये सब तुम्हारे लिए बेकार है, ये तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं, यहां पे ऊपर कलर है नहीं, यहां पे ऊपर कलर है नहीं, यहां पे ऊपर कलर है नहीं, अब तुम्हारे लिए ऊपर कलर क्या होना चाहिए, तो बोले कि सर ये अप एंड डाउन, ये ऊपर कलर होना चाहिए, इसलिए डी बिल्कुल सही हो गया। पूरा देखोगे परेशान रहोगे, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, क्वेश्चन देखने का तरीका बदलो, दुनिया कहेगी अब ये क्वेश्चन कितना आसान बना देता है, फिर इस क्वेश्चन को देखता है, ये तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा साइन आएगा, जल्दी से शेयर करो सभी लोग, जल्दी से सभी लोग शेयर करो, पूनम शुक्ला बहुत ही बढ़िया, वर्षा राजपूत, सेमू सरकार, फिरोज बहुत ही शानदार, ओपी, अंकित, पुनीत, इंद्र, केपी, पलक बहुत ही बढ़िया, विकास, दिग्विजय, वर्षा बहुत ही शानदार। अब जल्दी से सोचो, बोले सर यहां पे देखिए एक और दो है, ठीक है एक दो तीन है, फिर एक दो तीन चार है, तो आगे पांच वाला इसमें तो लाइन ही नहीं है, ये तो किसी काम का नहीं, यहां पे तो तीन तीन छह है, पांच लाइन चाहिए, एक दो तीन चार पांच, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर, बी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो इसका बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर सोचो क्या होगा, किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है तो उसी माह का बाईसवां दिन कौन सा होगा, कुछ नहीं, अगर तुम लोगों ने जरा सा दिमाग लगाया तो कसम है तुमको, बोलो सर ये गलत करवा के दिखा दीजिए, माने किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है तो बाईसवां दिन बताओ, कुछ नहीं करना, बाईस में से सात घटा दो कितना हो गया, 22 में से 7 घटा दो तो 7 5 12 1 15 आया, 22 में से 7 घटा दो 15 आया, बोले हाँ तो 15 में 7 का मल्टीपल निकालो, बोले सर 14 निकल गया, तो बचा कितना, एक शुक्रवार में एक दिन जोड़ दो, शनिवार, बिल्कुल सही है। मतलब अगर एकदम साफ सुथरा हटाओ, कोई छीछा लेदर, कोई ऐसा मुंह से बोले ए बिटवा किसी माह का सातवां दिन ये है तो बाईसवां दिन बताओ, सातवां दिन है बाईसवां बताओ, 22 में से 7 गया 15 बचा, 15 में से 14 निकल गया, एक दिन आगे बढ़ जाओ, आंसर हो गया, नैनो सेकंड में ऐसे 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 जवाब दोगे, आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा, कितने त्रिभुज हैं, सोच समझ के जवाब देना जरा सा, टोटल कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे दद्दा, आएंगे आएंगे आएंगे, अब जल्दी से सोचो आंसर क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही निंजा राहुल, बहुत ही बढ़िया पूनम करदन, विकास, अंजलि, बहुत ही बढ़िया शुभम, निंजा, किरण, नीतू, बहुत ही बढ़िया पलक शुक्ला, निंजा, अब जल्दी से सोचो भाई, यहां पे कहने का मतलब क्या है, जब भी आपसे बोले कि कितना होंगे तो जरा देखो, तो यहां पे एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, चार का दो गुना कर दो बेटा, चार दुना आठ हो गया, बोले हाँ सर आठ, इसमें एक दो तीन चार, तो यानी आठ में चार का गुणा करें तो आठ चौक 32 होना चाहिए, 32 बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं, एक में आठ है तो उस तरीके से 32 होना चाहिए, 32 बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही शानदार, ये सोच के बताओ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इस बार तो आना ही आना है, 110% है कि इस तरीके के क्वेश्चन इस बार आना ही आना है, तो जल्दी से सोचो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन का पार्ट जितना अच्छा होगा तुम बोलोगे सर उतना मजा आ रहा है, जल्दी से सोचो, यहां पे जल्दी से सोचो, अब देखो यहां पे अगर उसने बोला कि यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, तो यहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा
दिक्कत है कि यहाँ पे सात होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, यहाँ सात होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, तो जैसे मान लो कि जैसे देखो यहाँ पे अगर उसने बोला कि 13 सत्ते, क्योंकि कैलकुलेशन जरा देखो, यहाँ पे 13 में 7 का गुणा करोगे तो 13 सत्ते 91 होगा, 6 का 4 में गुणा करोगे तो 6 चौक 24 होगा, ठीक है ना। और इनको अगर आपस में 91 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, बोलो बात सही है, 67 आ जाएगा, बोलो बात सही है। और एग्जाम में याद रखना ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा आएगा आएगा आएगा, 1000% है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। बाकी 47 एक लीप वर्ष में, यहां पे बताओ एक लीप वर्ष में क्यों होता है, एक लीप वर्ष में होते हैं क्या, होते हैं 52 सप्ताह होते हैं क्या, होते हैं जल्दी से बताओ, बहुत ही बढ़िया। अब जरा सोचो एक लीप वर्ष में क्या होता है, तो बोले सर एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं कहां से आया ये, तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 को 7 से भाग करोगे तो 52 सप्ताह जाएगा, लेकिन शेषफल 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, तो ये इस बात को याद रखना 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन बता पाओगे, है हिम्मत अगर इसको कैलकुलेट करने की, मैं तो यही पूछूंगा, है हिम्मत इसको कैलकुलेट कर पाओगे, कर लिए तो फिर मजा आ जाएगा, है हिम्मत तो करके दिखाओ इसका कैलकुलेशन। और आसान नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि तुमको पता है चारों तरफ स्क्वायर ही स्क्वायर का साया है मेरे भाई, चारों तरफ स्क्वायर स्क्वायर का साया है। अब फिर तुमको करना है तो चीजें और भी आसान हो ही जाती हैं, बोले सर हो जाएंगी, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर का साया है, तुमको पता है। जिन्होंने कभी मिसिंग नंबर नहीं किया वो लोग कोशिश करें, जो रेगुलर प्रैक्टिस में, उनका तो आंसर आ ही जाएगा, प्रॉमिस आ जाएगा। जरा सा सोचो, तो करना कुछ नहीं है, अगर यहां पे देखो तो ये यहां पे 4 लिखा हुआ है, यहां पे देखो तो यहां पे 3 लिखा हुआ है, यहां पे देखो तो यहां पे 2 लिखा हुआ है, और यहां पे 1 है, 4 3 7 2 9 1, ये देखो 10 आ गया, यहां पे 10 लिखा। करो तो कोशिश तो किया करो, तुम लोग हाथी हटा लेते हो तो मैं क्या करूं उसमें, फिर बताओ ये 5 है ये 8 है, तो 5 4 9 8 17 10 27 होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, कम से कम कोशिश तो करो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे संबंधी, कोशिश तो करो, 41 विल बी द राइट आंसर। अब इतना भी चूरन क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे तो धरती पे मुझे कहां जगह मिलेगी, बोलो बात सही है कि नहीं। तुम लोग यार 400 प्लस जल्दी से लाइक कर दो, फिर मेरे को बताओ मजा आई कि नहीं। 16 मिनट में बताने वाले को 1000 रुपए नगद इनाम दूंगा मानसिक रूप से, अगर बता दिए तो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1000 रुपए नगद इनाम दूंगा अगर सोच लिए तो, कि सर हम अब हम इस तरीके के क्वेश्चन सोच लेते हैं, 1000 रुपए नगद इनाम दूंगा मानसिक रूप से अगर सोच ले गए तो, सोच ले गए तो मैं मान लूंगा, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं। नीतू, गौतम, पलक शुक्ला, गिरी, रमिता, पूनम, बहुत ही शानदार, सोच लो तुम बस इतना, 16 मिनट में, ध्यान से सुनना, एकदम लपर लपर नहीं करना सर, हो जाएगा 16 मिनट में, मिनट की सुई और घंटे, मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे निकल जाएगी। तो अरे चाचा 16, एक मिनट में 6 डिग्री अगर मिनट वाली सुई बनाती है तो 16 मिनट में 16 गुणे 6 16 6 96, लेकिन चाचा घंटे वाली सुई अपनी जगह थोड़ी ना बैठी रहेगी, वो भी तो एक मिनट में आधा डिग्री सरकती है, अगर एक मिनट में आधा डिग्री सरकती है, अगर मान लो मिनट वाली सुई, ये दोनों यहां पर थी, मिनट वाली सुई 16 मिनट सरक के यहां आई, तो घंटे वाली अपनी जगह थोड़ी ना बैठेगी, वो भी तो थोड़ा इधर सरकेगी, तो यानी इधर सरकेगी, तो एक मिनट में आधा डिग्री सरकेगी, तो 16 मिनट में 8 डिग्री तो घंटे वाली भी सरकेगी। भाई अगर तुम बोल रहे हो एक मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली सुई बनाती है, बोले हां, घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो मिनट की सुई अगर 16 डिग्री जाएगी तो मतलब 16 मिनट चलेगी, तो ये भी तो है जो 8 डिग्री, यानी इसमें 8 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे 88 आएगा। 16 मिनट चलने में अगर 96 डिग्री वो बनाती है मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली भी सुई 8 डिग्री अपनी जगह से सरक जाएगी, और वो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो मोटी है इसलिए धीरे धीरे चलती है, एकदम हाथी तो होती है तो उसको चलने में समय लगता है, इसलिए 88 डिग्री होगा, याद रखना। हां, तूफानी सवाल, शास्त्रों में ऐसे सवालों को तूफानी की श्रेणी में रखा गया है, तूफानी सवाल, इसका जवाब बताओ क्या होगा,
ठीक है ना, जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर क्या है। तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्लास खत्म कर दूंगा, इसके बाद ही खत्म करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पूछूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तुमको क्या लगा, गब्बर खुश हो जाएगा? जल्दी से सोचो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मान जाओ तुम्हारे सोच से भी परे क्वेश्चन है, तुम्हारे सोच से भी परे क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बाद में बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया, एसके एजुकेशन ग्रुप बाय संटू सर, अच्छा, श्रेयांशी प्रसाद, किरण, श्रेयांशी, रुपेश यादव, कैसे हो भैया, अंकित शर्मा भैया बहुत ही शानदार, निशा बहुत ही शानदार। सोचो यार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, इसमें लापरवाही करोगे तो फिर मतलब समझदार होना यार, फिर कैसे काम चलेगा। बोले अरे महाराज, अरे सरकार, प्रभु हम बता रहे हैं क्या होगा। बोले सर क्या, अरे हमने कहा ये 3 का स्क्वायर है ले लाल, प्लस 2 का स्क्वायर है। बोले आय रे, तो हमने कहा और नहीं तो क्या, 3 त्रो का 9 प्लस 2 दूना 4, 9 4 13 होता है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब यहां पे देखो, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 25 किया, प्लस 2 दूना 4 किया तो 25 4 29 हो गया। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 1 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, 97 बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या करें, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती समाज की है जो ऐसे प्रश्न बना रहा है। अब इस तरीके के प्रश्न मेरे विद्यार्थी अगर पा जाएंगे ना तो धुआं धुआं मचा देंगे चारों तरफ, धुआं धुआं मचा देंगे, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। मैराथन देखना चाहते हो क्या तुम लोग, मैराथन की इच्छा कितने लोगों के, गुरुदेव एक बार 3 घंटा लगातार ताबड़तोड़ पढ़ा दीजिए, कितने लोग चाहते हो मैराथन, कमेंट बॉक्स में लिखो तो एक बार। और याद रखना, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, 81 कहाँ आएगा भैया, 97 आएगा, कंप्यूटर जी सनक गए, 97 आएगा। इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, इसका आंसर आप मुझे HW में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। याद रखना, ये आंसर आप मुझे HW में बताएंगे, और एक बात मेरी एकदम 100% याद रखेंगे, HW में तो ये बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उन सबसे ये वादा चाहता हूं कि आप मुझे कल, यानी आज तो शनिवार है ना, आज शनिवार है, कल की क्लास में सुबह 10 बजे, कल 10 बजे जो सेशन होने वाला है 13 जून को 10 बजे, मतलब यार पूरे बच्चे एकदम चारों तरफ हाहाकार मचा देना कि अतुल सर हम आ गए, अतुल सर हम आ गए, मैं रहूंगा लाइव। कम से कम पता होना चाहिए कि सारा मेरा विद्यार्थी आज यहां पे टूट पड़ा है यार, दुनिया को दिखा दो कि अतुल अवस्थी के विद्यार्थी आए हैं। जब 10 जून का सेशन चले, एकदम कमेंट बॉक्स में हाहाकार मचा दो, अतुल सर प्रेजेंट, अतुल सर प्रेजेंट, मतलब कि हम उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। गारंटी लेता हूं, उस 25,000 में 11,000 प्लस बच्चा SSC अड्डा का होगा, जिसको मैं लाभान्वित कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, याद रखना। लेकिन इस कमेंट बॉक्स के नीचे अतुल अवस्थी नाम से एक लिंक लगी है, उससे ऐप डाउनलोड कर लेना, अतुल अवस्थी करके एक लिंक लगी हुई है ऐप डाउनलोड की। और याद रखना, मेरी जिम्मेदारी आने वाले समय में कहीं कोई पैसा नहीं देना, 5 मिलियन होने की खुशी में अड्डा 247 फ्री चीजें बांट रहा है, लेकिन मेरे को अटेंडेंस चाहिए यार, दद्दा अटेंडेंस चाहिए सबकी। कल तुम लोग हाहाकार मचाओगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर कल 10 बजे आना, हाहाकार मचा के निकल जाना। वो के एक हुजूम नहीं आता है कि अरे सर हम पागल बना देंगे, यानी कल सुबह 10 बजे आओगे ना हाहाकार मचाने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर कल तो एकदम तबाही मचा देंगे। इस तरीके के फंक्शन में मजा लिया करो, दोस्तों से मिला करो, और आया करो, नई नई चीजें देखा करो, और फ्री में मिल जाए तो फिर जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, और सुख का विधान प्यारे, हानि लाभ सहिए, और जब भी मौका मिले तो सीताराम 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 कहिए। तो कल के क्लास में मैं आप सभी का इंतजार करूंगा, क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन कल सुबह 10 बजे अगर तुम लोग नहीं आए ना, तो समझ लेना कि ये मतलब मैं कभी नहीं कहता कि यार इस सेशन तुम लोग एंजॉय करते हो, लेकिन जो तुम्हारे हित की बात है, कोई पैसा नहीं लगना, हर्रा लागे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा मेरे भाई, कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, बस तुम्हें कल आना है, अपनी प्रेजेंस देना है। तो कल सुबह 10 बजे आओगे तो मैं समझू कल सुबह 10 बजे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, कल हम मुलाकात करेंगे, कल तबाही तबाही मचाएंगे, चारों तरफ केवल अतुल अवस्थी के विद्यार्थी घूमने चाहिए, जहां निगाह जाए अतुल अवस्थी के विद्यार्थी घूमने चाहिए, यही मेरी मनसा है और यही मेरी चाहत है, और मुझे लगता है कि मेरे सारे विद्यार्थी मेरे साथ है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, खूब मस्त रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो, एकदम हाहाकार मचा दो, जहां भी रहो दुनिया कहे कि भैया विद्यार्थी हो तो अतुल अवस्थी सर जैसा हो। बोलो बात सही है कि नहीं, ठीक है, तो चलें। लेकिन याद रखना कि ये जो सेशन आपके पास होने वाला है, जो मेरे बगल वीडियो चल रहा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस तरीके से बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं, टॉपर्स सिलेक्शन की कहानी, टॉपर्स की जुबानी, इस जगह जैसे ये मैम है, कल तुम लोग होगे, ये मेरी कल्पना है कि कम से कम मेरा विद्यार्थी कल इस जगह पे होगा। बोलो बात सही है कि नहीं, तो ये मानता हूं कि सभी लोग, हां बिल्कुल बिल्कुल,
एक बार जाके वहां पे विजिट कर लो, कल हम लोगों को मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, कल मैं मिलूंगा, टेंशन नहीं लेना। बोलो बात सही है, थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरी क्लास आपको कैसे लगी। अड्डा 247 लेकर आ रहा है, याद रखना सबसे बड़ा गिव अवे कल सुबह 10 बजे, मेरा विद्यार्थी 11,000 प्लस एसएससी वालों को दिलवाऊंगा, याद रखना। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े या तो लवस्थी है तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मस्त रहो, सलामत रहो, खुश रहो, जहां भी रहो हाहाकार मचाते रहो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। My name is Payal. I have cleared SBIPO 2000. Hello guys. My name is Payal. I have cleared SBIPO 2019. मेरी पूरी जर्नी में जब मैंने बैंकिंग स्टार्ट करी तो अड्डा ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैंने स्टार्टिंग जब SBIPO से ही की थी, साथ में मैंने किसी भी बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए प्राइम परचेस की थी। न्यू ईयर पे प्राइम आई थी तो मैंने 2019 के स्टार्टिंग में ही प्राइम परचेस की, और उसने मतलब उसमें यह है कि आपको अगर उसने वो परचेस कर ली तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, और मैंने प्री और मेंस दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया।